हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24x7 पाठशाला लर्न एनी टाइम एनीवेयर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स का पहला एक्सरसाइज, दैट इज 3.1। फर्स्ट एक्सरसाइज है तो बच्चों बहुत ही बेसिक होगा और क्वेश्चंस भी बड़े ही सिंपल। इन द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स दिया हुआ है, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताना है बच्चों, मैट्रिक्स का ऑर्डर। सेकंड इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है ये आपको बताना है। थर्ड है राइट द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के नोटेशन दिए हुए हैं और हमको बताना है कि इस मैट्रिक्स में वो किस एलिमेंट की बात कर रहा है। चलिए पहला देखते हैं द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चों देखिए ऑर्डर हमें पता है कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स। तो देख लेते हैं इसमें कितने रो हैं, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। थ्री रोज हैं हमारे पास और कॉलम कितने हैं, C1, C2, C3, C4। ठीक, चार कॉलम है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, 3x4। सेकेंड है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम करके, तो 3 × 4 कितना आ जाएगा, 12। काउंट करके देखेंगे तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितने मिलने वाले हैं, 12। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं राइट द एलिमेंट्स। पहला हमें क्या बोल रहा है, A1 3 निकालने को। तो देखिए बच्चों पहला सबस्क्रिप्ट जो होता है वो क्या बताता है, कौन सा रो सेलेक्ट करना है, और दूसरा सबस्क्रिप्ट क्या बताता है, कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, और जो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट। तो हमने क्या लिया, पहला रो लिया एंड थर्ड कॉलम, हमें क्या मिला, 19। तो आंसर विल बी 19। दूसरा क्या है, A2 1, तो रो कौन सा हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड, सेकेंड, और कॉलम कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, दैट इज 35। चलिए आगे बढ़ते हैं, A3 3, इसमें हमें रो भी थर्ड लेना है और कॉलम भी थर्ड लेना है। देख लेते हैं, रो थर्ड लिया और कॉलम भी थर्ड लिया तो क्या मिल गया हमें, -5। A2 4 लेना है, सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो लिया और फोर्थ कॉलम, दैट इज 12। लास्ट देख लेते हैं, A2 3, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, दिस इज 5/2, करेक्ट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व बड़े ही आसानी से। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। तो देखिए बच्चों अभी हमने क्या देखा है कि जो ऑर्डर होता है या जो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स कर दे तो हमें क्या मिल जाता है, एलिमेंट्स कितने, तो उसी का रिवर्स कर देना है। हमें क्या दे दिया है, एलिमेंट्स दे दिया है, मीन्स m × n की वैल्यू दे दिया है 24, और हमें ऑर्डर बताना है। तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है m × n की, देखिए एक हो सकता है 1 × 24, दूसरा 24 × 1, और क्या हो सकता है, 8 × 3 एंड 3 × 8, और सोचिए, वेरी गुड, क्या हो सकता है, 4 × 6 एंड 6 × 4। तो ये सारे पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे किसके, मैट्रिक्स के, दैट इज 1x24, 24x1, 8x3, 3x8, 4x6 एंड 6x4। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, मींस यहाँ पे m × n की वैल्यू कितना दे दे रहा है, 13। तो m और n क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, 13 × 1 एंड 1 × 13, मींस 13x1 का मैट्रिक्स पॉसिबल है या फिर 1x13 का। होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है, क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। 18 एलिमेंट्स दिए हुए हैं और आपसे पूछ रहा है कि कितने ऑर्डर्स बन सकते हैं, कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं। अगेन व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, तो m × n की वैल्यू कितनी दे दे रहा है, 18। तो 18 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1x18, 18x1 एंड 2x9, 9x2, और कुछ बच गया, बिल्कुल
सिक्स क्रॉस थ्री एंड थ्री क्रॉस सिक्स, तो इतने ऑर्डर के मैट्रिक्स पॉसिबल हैं। अब फाइव के लिए देख लेते हैं, तो m इंटू एन इक्वल्स टू फाइव, तो फाइव को कैसे लिख लेंगे, वन क्रॉस फाइव और फाइव क्रॉस वन, तो सिर्फ दो मैट्रिक्स पॉसिबल हैं जिसमें कि पहले का ऑर्डर क्या होने वाला है, वन क्रॉस फाइव, और दूसरे का फाइव क्रॉस वन। पढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, कंस्ट्रक्ट अ थ्री क्रॉस फोर मैट्रिक्स, थ्री क्रॉस फोर का मैट्रिक्स बनाना है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, एलिमेंट्स कैसे डिफाइंड है, ए आई जे इक्वल्स टू वन बाई टू मॉड ऑफ माइनस थ्री आई प्लस जे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ए आई जे, ठीक, हमें मैट्रिक्स कितने का बनाना है, थ्री क्रॉस फोर का, तो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट क्या बताता है, रो, और सेकेंड सबस्क्रिप्ट क्या बताता है, कॉलम। तो i की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास आ गई, थ्री, तो वन टू थ्री, और j की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ गई, फोर, वन टू थ्री फोर, करेक्ट। हमारा जो मैट्रिक्स बनने वाला है वो कितने ऑर्डर का बनने वाला है, थ्री क्रॉस फोर का, ठीक। तो क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन फोर, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए टू फोर, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री एंड ए थ्री फोर, करेक्ट। अब यही एलिमेंट्स हमें इसमें पुट करके निकाल के इन्हें बताना है। चलो पहले सबसे निकाल लेते हैं हम, ए वन वन कितना आ जाएगा, वन बाई टू माइनस थ्री इंटू वन प्लस वन, इट विल गिव माइनस थ्री प्लस वन इज माइनस टू, मॉड के बाहर आएगा तो टू, टू बाई टू वन, वन बाई टू, टू बाई टू इज वन। ए वन टू क्या आ जाएगा, वन बाई टू अगेन माइनस थ्री इंटू वन प्लस टू, दैट इज माइनस थ्री प्लस टू इज माइनस वन, माइनस वन मॉड के बाहर आएगा वन, तो वन इंटू वन बाई टू इज वन बाई टू, ठीक। आगे ऐसे ही करेंगे, वन थ्री के लिए कितना आ जाएगा, वन बाई टू माइनस थ्री इंटू वन इज माइनस थ्री प्लस थ्री ज़ीरो, एंड ए वन फोर इज वन बाई टू माइनस थ्री इंटू वन प्लस फोर, दैट इज माइनस थ्री प्लस वन, वन बाई टू, करेक्ट। फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स निकल चुके हैं, अब सेकेंड रो के निकालते हैं, टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री एंड ए टू फोर, ठीक। आई की जगह हमें क्या रखते जाना है, टू, और जे की जगह वन टू थ्री फोर। चलिए वन बाई टू माइनस थ्री इंटू टू प्लस वन, वन बाई टू माइनस थ्री इंटू टू प्लस टू, वन बाई टू माइनस थ्री इंटू टू प्लस थ्री, एंड वन बाई टू माइनस थ्री इंटू टू प्लस फोर, मीन्स माइनस सिक्स में से सबको आपको ऐड करते जाना है, माइनस सिक्स प्लस वन माइनस फाइव, माइनस फाइव बाई टू मॉड के बाहर आएगा तो फाइव बाई टू, माइनस सिक्स प्लस टू इज फोर, फोर बाई टू इज टू, माइनस सिक्स प्लस थ्री इज थ्री, थ्री बाई टू, एंड माइनस सिक्स प्लस फोर इज टू, टू बाई टू इज वन। सेकेंड रो के भी सारे एलिमेंट्स निकल चुके हैं, बच गया है केवल लास्ट वाला रो, तो ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री एंड ए थ्री फोर, क्या हो जाएगा, वन बाई टू माइनस थ्री इंटू थ्री प्लस वन, वन बाई टू माइनस थ्री इंटू थ्री प्लस टू, वन बाई टू माइनस थ्री इंटू थ्री प्लस थ्री, एंड वन बाई टू माइनस थ्री इंटू फोर प्लस फोर, सॉरी माइनस थ्री इंटू थ्री प्लस फोर, मीन्स इस बार आपको माइनस नाइन में ऐड करते जाना है। सो माइनस नाइन प्लस वन इज माइनस एट, माइनस एट मॉड के बाहर आएगा एट, एट बाई टू इज फोर, माइनस नाइन प्लस टू इज सेवन, सो सेवन बाई टू, माइनस नाइन प्लस थ्री इज सिक्स, सिक्स बाई टू इज थ्री, एंड माइनस नाइन प्लस फोर इज फाइव, सो इट इज फाइव बाई टू। होप कि सारे एलिमेंट्स निकल गए, अब बस इसको मैट्रिक्स में पुट कर देना है। तो फटाफट से बता दीजिए वैल्यूज, ए वन वन आया है आपका वन, ए वन टू आया है आपका वन बाई टू,
A13 is 0, A14 is again 1 by 2, A21 is 5 by 2, A22 is 2, A23 is 3 by 2 and A24 is 1. Last row ke elements dekh lijiye, 4, 3 by 2, 3 and 5 by 2. Correct? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. इस बार बच्चों आपको क्या लेके चलना है, 2i माइनस j. तो रखते हैं वैल्यू, 2 इंटू 1 माइनस 1 विल बी 1, 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 इंटू 1 माइनस 3, 2 इंटू 1 माइनस 4. तो 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 4 इज माइनस 2. इसमें रखते हैं 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 इंटू 2 माइनस 4. सो 4 माइनस 1 इज 3, 4 माइनस 2 इज 2, 4 माइनस 3 इज 1 एंड 4 माइनस 4 इज 0. लास्ट देख लेते हैं, A31. सो 2 इंटू 3 माइनस 1, 2 इंटू 3 माइनस 2, 2 इंटू 3 माइनस 3 एंड 2 इंटू 3 माइनस 4. सो 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 3 3 एंड 6 माइनस 4 इज अगेन 2. तो ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, बस इसमें पुट करना है और हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स. तो फटाफट से वैल्यूज बोल दीजिए, A11 1, A12 0, A13 माइनस 1, A14 इज माइनस 2, A21 3, A22 2, A23 1, A24 इज 0, A31 इज 5, A32 इज 4, A33 3 एंड A34 2. करेक्ट. चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन. फर्स्ट है 4, 3, x, y, z, 1, 5. तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का. तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट चीज हम क्या चेक करते हैं कि उनका ऑर्डर सेम है या नहीं. तो ऑर्डर देख लेते हैं, ये 2x2 है और ये भी 2x2 है. ठीक. फिर क्या देखेंगे कि एलिमेंट्स और उनके पोजिशन सेम है कि नहीं. तो अब बोल ही दिया इक्वेशन, मीन्स कि सेम होने ही चाहिए. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 4 इज इक्वल टू वाई, सो वाई विल कम आउट टू बी 4, 3 इक्वल्स टू जेड, सो जेड इज इक्वल टू 3, x इक्वल्स टू वन एंड 5 इक्वल्स टू 5. तो ये तो बड़े ही आसानी से सॉल्व हो गया. देखते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब इसमें क्या क्या इक्वेशन बनेंगे देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 6, 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 8. करेक्ट. तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, एक्स वाई इक्वल्स टू 8, ये तीन इक्वेशन आपको मिले हैं. तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए. तो पहले सबसे हम ये ले लेते हैं सेकेंड वाला इक्वेशन, दैट इज 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5. यहाँ से आपको z की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, कितनी, 0. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर है एक्स वाई इक्वल्स टू 8, तो क्या हम x को लिख सकते हैं 8 बाई वाई. बिल्कुल. चलो पुट कर देते हैं यहाँ पे, 8 बाई वाई प्लस वाई इक्वल्स टू 6. तो ये कितना बन जाएगा, वाई स्क्वायर, एलसीएम लिया और y को उधर जाके मल्टीप्लाई किया, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8, ये बन गया एक क्वाड्रेटिक. और इसको हम सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, वाई माइनस 4 एंड वाई माइनस 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ से y की हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं, क्या क्या, y इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2. तो देखो बच्चों, इस इक्वेशन में या तो ये इक्वेशन ले लो या तो इक्वेशन ले लो, y इक्वल टू 4 रखोगे इस इक्वेशन में तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2, और y इक्वल्स टू 2 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जा रही है, 4. करेक्ट. चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं.
इसमें क्या क्या इक्वेशन बन रहा है बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 5 एंड वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 7। ठीक, अगेन तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए। तो देखो इस सेकेंड इक्वेशन को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो x प्लस जेड की वैल्यू कितनी रख दें, 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, यहाँ से आपका y की वैल्यू निकल के आ रही है कितनी, 4। अगेन फर्स्ट इक्वेशन में y प्लस जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना, 7, सो x प्लस 7 इज 9, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2। बच क्या क्या, z किसी एक में x की वैल्यू या इसमें y की वैल्यू पुट करिए, आपको z की वैल्यू मिल जाएगी, तो 2 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, सो योर z विल बी 3। तो हमें क्या क्या वैल्यूज मिल गई हैं, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल्स टू 3, करेक्ट। चलिए हम लोग सिक्स क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अगेन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों। तो देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1, 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5, करेक्ट। 2a माइनस बी बताइए किसके इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल सही, 0 के इक्वल। एंड फोर्थ इज 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13। तो बच्चों हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, ए बी सी एंड डी मीन्स फोर वेरिएबल, फोर इक्वेशन, अगेन सॉल्व करेंगे हम लोग बड़ी ही आसानी से। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये थर्ड वाला इक्वेशन लेते हैं, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, यहाँ से क्या मिल गया हमको, b इज इक्वल्स टू 2a। अब b की वैल्यू किस में पुट कर दें, फर्स्ट वाले इक्वेशन में, क्या हो जाएगा, a माइनस 2a इक्वल्स टू माइनस 1, और आपका a आ गया है कितना, 1, a इक्वल्स टू 1। अब इस इक्वेशन में पुट करिए तो c की वैल्यू मिलेगी, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले b की ही वैल्यू निकाल लेते हैं, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 एंड b इज डबल ऑफ a, सो b विल बी इक्वल टू 2, करेक्ट। इस इक्वेशन में पुट करेंगे a की वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल्स टू 5, सो c विल बी 3। बस एक वेरिएबल निकालना बचा रह गया है d, उसके लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज कर लेंगे, फोर्थ वाली, क्या है, 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13, सो सी इज योर 3 प्लस 9 प्लस डी इक्वल्स टू 13, तो डी विल बी इक्वल टू 4। हो गया बड़ी आसानी से ही सॉल्व, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेवन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन बच्चों एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। क्या क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल्स टू ए आई जे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, तो यहाँ पे m n है, ठीक। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन से जाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को किसे रिप्रेजेंट किया है, m से, और नंबर ऑफ कॉलम को n से। तो क्या m इक्वल्स टू n होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन c। एट्थ क्वेश्चन इज अगेन एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। अगेन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे क्वेश्चन है बच्चों, और ऑप्शन में हमें इन्हें x और y की वैल्यू निकाल के बताना है। तो पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 7 बाई 3। 5 इक्वल्स टू y माइनस 2, तो y विल बी 7। अब इस वाले से देखें तो y प्लस 1 इक्वल्स टू 8, सो y इक्वल्स टू 7। 2 माइनस 3x इक्वल्स टू 4, सो माइनस 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 2 2, x इक्वल्स टू माइनस 2y3। तो बच्चों देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, कि यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 7 बाई 3 आ रही है और यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 2 बाई 3 आ रही है। नहीं, आपने कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है, यहाँ पर x की हमें दो डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि
इनका एक्स और वाई फाइंड करना इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से पॉसिबल नहीं है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ एंट्री 0 और 1 इज। क्वेश्चन को समझेंगे पहले, क्या बोल रहा है कि हमें एक 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है। ठीक, अब 3x3 है तो इसमें एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 9। ठीक, और एंट्री क्या क्या हमारे पास है, 0 या 1। तो हर प्लेस पे क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, 0 या 1, 0 या 1 मींस 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो बच्चों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई करके क्या बता देंगे इनको हम, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। तो यहाँ पे 2 पॉसिबल हैं, यहाँ पे 2 पॉसिबल हैं, यहाँ पे 2 पॉसिबल हैं, ऐसे ही कितने पॉसिबल हैं, 9। तो आंसर विल बी 2 × 2 × 2 अप टू 9 टाइम्स, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 2 to the power 9, और 2 to the power 9 को कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 512। तो इन चारों में से कौन से ऑप्शन में आपको 512 दिख रहा है, दैट इज डी ऑप्शन, करेक्ट। तो बच्चों अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, हमने बड़ी ही आसानी से पहला एक्सरसाइज मैट्रिक्स का निपटा लिया है। अगर आपने भी आसानी से सॉल्व कर लिया है ये एक्सरसाइज तो लाइक तो बनता है, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको बिग थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ जाके जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए 24x7 पाठशाला के साथ, लर्न एनी टाइम एनीवेयर। थैंक यू।